सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव की मृत्यु के बाद मैनपुरी उपचुनाव में डिंपल के खिलाफ बीजेपी ने शिवपाल के करीबी रघुराज शाके को उतार दिया है। मैनपुरी लोकसभा सीट से बीजेपी ने रघुराज शाके को अपना प्रत्याशी बनाया है। शाके की गिनती प्रगतिशील समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव के करीबी के रूप में होती है। रामपुर विधानसभा सीट से बीजेपी ने आकाश सक्सेना को टिकट दिया। उत्तर प्रदेश की एक लोकसभा और दो विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए बीजेपी ने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। मैनपुरी लोकसभा सीट से बीजेपी ने रघुराज शाके को अपना प्रत्याशी बनाकर शिवपाल के खास आदमी को डिंपल के सामने उतार दिया है। मैनपुरी सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डिंपल यादव को टक्कर देने वाले बीजेपी के रघुराज शाके की गिनती प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव के करीबी के रूप में होती है। इसी साल फरवरी में रघुराज शाके ने प्रसपा छोड़ दी थी और बीजेपी का दामन थाम लिया था। शाके दो बार सांसद रह चुके हैं। रघुराज शाके के बीजेपी में शामिल होने से पहले प्रसपा के प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर थे। रघुराज शाके 1999 और 2004 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर इटावा सदर सीट से विधानसभा का चुनाव भी जीत चुके हैं। शाके ने 27 जनवरी 2017 को सपा से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद शिवपाल सिंह यादव की प्रसपा में शामिल हो गए थे। 2022 के विधानसभा चुनाव में शाके ने इटावा सदर सीट से दावेदारी की थी, लेकिन सपा ने यहां से सर्वेश शाके को मैदान में उतार दिया था। इस वजह से शाके ने प्रसपा छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। अब बीजेपी ने रघुराज को मैनपुरी सीट से प्रत्याशी बना दिया है।